हेलो क्लास सेवन, आज मैं आपके इंग्लिश रीडर का चैप्टर फाइव एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। ठीक है, तो हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका बस इसी बेस पर एक ऐसे टाइप में है, मतलब कि इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि ये जो जंगली जीवन है, जो वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ के लिए और हर चीज़ के लिए। बेसिकली लोगों की थिंकिंग होती है कि जो है कि हम इंसान हैं तो हमारा राइट है हर जगह, मतलब रहने का, सब कुछ इंजॉय करने का। लेकिन ये ऐसा नहीं है। नेचर ने सबको, हर क्रिएचर को, हर प्राणी को एक उद्देश्य से, एक पर्पज से बनाया है, और हर किसी का होना यहाँ उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारा होना। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक है, इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट करने का जो मेन पर्पज, जो चीफ पर्पज होता है, वो यही होता है कि लोगों के अंदर इस वाइल्ड लाइफ, इन जीव जंतु, प्राणियों, जानवरों, बर्ड्स वगैरह के इम्पोर्टेंस को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया जाए, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी परेशानियां हैं उनको जाना जाए, उनके परेशानियों को सॉल्व किया जाए, और दूसरों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने ग्रैंडफादर वगैरह से अगर हम बात करेंगे, तो वो अपने बचपन में जो चीज़ें बताएंगे वो बिल्कुल इस समय से डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके बचपन में जो आपसे, अगर आप उनसे पूछिएगा तो उनका यही आंसर होगा कि पहले हर जगह ग्रीनरी यानी कि हरियाली होती थी, हर जगह पेड़ हुआ करते थे, उन पे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह और भी बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर सब दिख जाया करते थे, आके सब बैठते थे, सब कुछ मतलब बिल्कुल चेंज था। लेकिन इस समय जो हमारा हमारी जो एटमॉस्फेयर हमारा है, हमारी सराउंडिंग जो है, वो पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन, मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या का जो बढ़ रहा है, उसका जो विस्फोट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, वो सब धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, सब कुछ कम होता, जंगल कट रहे हैं, तो इसका प्रभाव सीधे वाइल्ड लाइफ पर पड़ रहा है। उनको रहने के लिए शेल्टर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनको उस तरीके का वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिसमें उनका जीवन संभव हो। तो इस तरीके से धीरे 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 ये प्राणी जो है वो कम होते जा रहे हैं। पहले हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधे, बाग बगीचे हुआ करते थे, जिसमें तरह तरह के बटरफ्लाईज हैं, बीज हैं, हनी बीज हैं, और भी बहुत सारे स्पैरोज वगैरह, बर्ड्स वगैरह सब आया करते थे, बैठते थे, और फायरफ्लाइज वगैरह होते थे जो हमारे गार्डन को जगमगाया करते थे, उसमें बिजली की तरह जला करते थे। लेकिन अब उनकी जगह अर्बनाइजेशन ने उनकी जगह ले लिया है इलेक्ट्रिक बल्ब्स ने। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं, और ये सारे जीव जंतु, पक्षी जो हैं, ये सारे लगभग विलुप्त हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपने ही लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट घरों के आसपास इतना जगह भी नहीं होता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएँ, फूल क्यारियाँ लगाई जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा वातावरण है वो काफ़ी प्रदूषित हो रहा है, और किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल या बर्ड को कोई भी ठीक तरीके से उनको एटमॉस्फेयर, उनके लाइफ के लिए जो ज़रूरी है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे चीज़ों के लिए हमें दूसरों को तो जागरूक करना ही चाहिए कि वो जानवर हमारे लिए, ये बर्ड्स हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं, इन चीज़ों को हमें बताना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स हम भी उठा सकते हैं, ताकि ये जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो फिर से हमारे आसपास, हमारे करीब आ सके, रह सके। इसके लिए बच्चों सबसे पहले ये होता है कि आप अपने बैकयार्ड में, या जहाँ भी आपके थोड़े से घर के आगे या घर के पीछे या छत पे या आंगन में, जहाँ भी आपके पास इनफ स्पेस हो, वहाँ आप ध्यान दीजिए कि जहाँ बर्ड्स वगैरह थोड़े बहुत आते जाते हों, या पहले आते जाते रहे होंगे, अब नहीं आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने घरों में जो बर्ड्स के लिए है वो उनके लिए फीडर का इंतज़ाम कीजिए, यानी कि उनके एक पॉट रखिए जिसमें उनके लिए कुछ अन्न के दाने, ठीक है, या फिर उनके खाने पीने के लिए कुछ भी उसमें रख दीजिए, और एक पॉट में बर्तन वहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए, और देखिए कि वो बर्ड्स जो अब आना जाना बंद कर चुके हैं, वो धीरे धीरे फिर खुद भी आएंगे, और अपने साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे, और उनके मूवमेंट को देखकर आपको भी जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हैं, और अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली
को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास किया है और आगे भी कर रही है। उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड स्पीसीज को सेफ करने के लिए उसने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, जिसमें जो जो जातियां, जो जानवरों की, बर्ड्स की वगैरह जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, उनको सेफ किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और पूरे देश में क्या पूरे संसार में ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से चलाई जा रही हैं। तो बच्चों, आप भी इस चीज़ में कोशिश कीजिए और जहाँ तक हो सके बर्ड्स की, पशु पक्षियों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाइए, ठीक है। तो यही यही सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये एक इसी टाइप का है जिसमें आपको बस यही बताना इस चैप्टर का बेस है कि हमारे लिए जानवर और बर्ड्स कितने ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका बस एक्सरसाइज में ये है, फिल इन द ब्लैंक, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक मैंने ये बुक में फिल कर दिया है। जैसे पहला है फायरफ्लाइज, दूसरे में है फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये बुक में आपको सर्च करने पे मिल जाएगा, फिलहाल मैंने इसे फिलअप कर दिया है। थर्ड में है आपका पार्क एंड स्नैक्चरीज, एंड फोर्थ में है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उनको भी क्लियर कर दे रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम कब करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, यह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है, इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका आंसर ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर ये है कि ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर, लोगों के बीच में हम इस बात के लिए जागरूकता पैदा कर सकें, उन्हें इस बात के लिए बता सकें, तैयार कर सकें, चेतावनी दे सकें कि जितना ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं आज के दौर में, आज के प्रसंग में। ये सारी ये जंगली जीवन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को लोगों के लिए लोगों में इस भावना को जागरूक करने के लिए ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंजर्व एनिमल्स और बर्ड्स इन योर बैकयार्ड। आप एनिमल्स या बर्ड की संरक्षण अपने बैकयार्ड में कैसे करते हैं। तो इसका आंसर है, आई हैव प्लांटेड सम फ्लावर्स एंड स्मॉल हर्ब्स इन माई बैकयार्ड। मैंने अपने बैकयार्ड में कुछ फूल के और हरे भरे हर्ब्स को लगाया हुआ है, प्लांट किया है। आई इंस्टॉल अ बर्ड फीडर, मैंने पक्षियों के लिए एक खाने का पॉट रखा है एंड अ वाटर पॉट, और एक पीने का पॉट रखा है वहाँ पर। इन दिस वे आई कंजर्व बर्ड्स इन माई बैकयार्ड, और इस तरीके से मैं पक्षियों के संरक्षण के लिए अपने बैकयार्ड में तैयारी की है, ओके। यहाँ पे आपके ये वर्ड मीनिंग है, इनकी इमेज मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी रिटर्न वर्क है वो सारे कंप्लीट रखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं, ओके।